वो तो इंडिया फोरम्स वाले आ गए तो करना पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगना पड़ता है ना टीवी में भी, समझ रहे हो आप? थोड़ा सा अभी क्या है कि मामला गर्म है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। हाय गाइस, मैं हूं आपकी अर्चना गौतम और आज मैं हूं इंडिया फोरम्स के साथ। और मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूं और मैं मेकअप करने वाली हूं और फिर उसके बाद तैयार होने वाली हूं, क्योंकि आज श्रावण का महीना चल रहा है और मुझे पूजा करनी है, तो मेरे साथ तैयार होंगे आप? तो चलिए। सो गाइस, अभी मैं लगाने वाली हूँ लोशन, मतलब जो फेस पे लोशन लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र, और उसके साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ सनस्क्रीन। तो ये सनस्क्रीन है हल्का सा जेल, मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन, जिससे स्किन भी अच्छी होती है और मतलब धूप भी नहीं लगती। तो आजकल मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, पता है, क्योंकि अब मैं अपने चेहरे का थोड़ा ध्यान रख रही हूँ, पहले ध्यान रख, और जेल से मतलब अच्छा हो जाता है। अभी मैंने लगा लिया लोशन और ये, उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। हाँ, ये मेरा फेवरेट वन है, वो छोटा छोटा निकलता है ना तो अच्छा लगता है मुझको, कम भी ख़त्म होता है, ज़्यादा ख़त्म नहीं होता, नहीं तो खर्चा आ जाता है ना। तो ये हमने लगा लिया प्राइमर। अब मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर। तो कंसीलर मैं लगाने वाली हूँ, ये है कंसीलर। अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल है तो मुझे ऐसा लग रहा है, शट अप लायन लारा, तो ये वाला कंसीलर भी लगा सकती हूँ, ये भी लगा सकती हूँ, पर मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है तो मैं यही लगाऊंगी। और अब लगाने वाली हूँ फाउंडेशन। कहाँ गया मेरा फाउंडेशन? एक इसमें। मतलब मुझे कभी कभी थिक लेयर पसंद है, कभी कभी लाइट। अभी जैसे घर में हूँ, पूजा कर रही हूँ, मतलब पूजा में मैं मेकअप नहीं करती हूँ, वो तो इंडिया फोरम्स वाले आ गए तो करना पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगना पड़ता है ना टीवी में भी, समझ रहे हो आप? थोड़ा सा अभी क्या है कि मामला गर्म है। खतरों के खिलाड़ी से आई हूँ तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिल रही है काफ़ी। तो इसलिए थोड़ा सा मेकअप भी तो ज़रूरी है ना लाइफ में, है कि नहीं? अभी सुंदर लड़की दिखेगी तभी तो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है ना सुंदर लड़की। तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि अपनी स्किन को अच्छे से रखूँ, सुंदर रखूँ। और बस एक्चुअली खतरों के खिलाड़ी का शूट करते करते मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ही टैन हो गई है, बट ठीक है, अभी आ गए हैं तो स्किन का ख्याल रखेंगे। कल ही मैं स्पा गई थी और मैंने वैक्सिंग कराई, पॉलिशिंग कराई, फेशियल कराया, पेडिक्योर कराया, मैनीक्योर कराया, नेल्स रह गया है मेरा तो उसको मैं आज कराऊंगी। तो मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं ख्याल रखती रहती हूँ अपना, इतना सब चलता है। अभी कहते हैं ना, जब सेलिब्रिटी लोग कुछ गलत बोलते तो वो स्टाइल हो जाता, सेलिब्रिटी लोग जब बोरा पहनते तो वो बहुत महंगा कपड़ा हो जाता है, तो अभी इतना तो चलता है ना यार, क्या करो। अभी दोबारा तो ना नर्सरी क्लास पढ़ूँगी, तमन्ना है मेरी कि स्टार्टिंग कर लूँ नर्सरी, प्री नर्सरी, इंग्लिश तो आ जाएगी कम से कम, बच्चों के साथ जाके पढ़ूँ मैं, ठीक है थोड़ा थोड़ा चलता है। पाउडर लगना ना फेस पे बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो बेस है ना वो निकलता नहीं है। नॉर्मल स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है, जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो अगर कम भी लगाए तो भी चलेगा, बट मुझे पसंद है पाउडर लगाना। मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैं अगर नहीं भी लगाऊँ तो भी चलेगा, बट मुझे पसंद है लगाना, अच्छा लगता है मुझे। खाने में अगर प्याज ना हो तो खाना अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसे ही बेस में अगर बाद में पाउडर ना लगे तो बेस नहीं लगता। ये हो गया हमारा बेस। अब मैं करूँगी अपनी प्यारी प्यारी आँखें भी करने वाली हूँ, ये बहुत फेवरेट है मेरी, क्योंकि इसमें मेरे टाइप के सारे कलर्स हैं। छोटी सी है, पाउच में आ जाती, कहीं भी आ जाती है अपना, कुछ नहीं। और हाँ, मुझे आइस करना ज़्यादा हाथ से पसंद है, बट बाद में मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ब्रश यूज़ करते हो तो ना वो पूरा यहाँ तक आ जाता है आपको, फिर आपको नीचे से करना पड़ता है तो इतना टाइम नहीं होता है।
तो मैं पहले हाथ से मैश कर देती हूँ और फिर हल्का सा स्टाइल में ब्रश यूज़ करती हूँ बस। तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ, जैसे कि येलो इज़ माई फेवरेट कलर, तो मैं येलो को लगाने वाली हूँ साइड से। तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये। अब हम करेंगे नीचे, क्या बोलते हैं उसको, नीचे स्मच करते ना आइस, वो स्मच स्मच आइस करेंगे, स्मच आइस। उसके लिए हम लोग लेंगे ये ब्रश। इसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी आंखें जो है ना बड़ी बड़ी लगेंगी, ये और ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्राउन कलर, और उसके अलावा आप उसे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फीमेल आर्टिस्ट को मेकअप आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि आपको बाहर जाना पड़ता है, आउटडोर जाना पड़ता है, तो वहाँ पे मेकअप पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इतना जान लें कि खुद से मेकअप खुद कर सकते हैं। तो गाइस, मेरी आईज हो गई है, मुझे आईब्रोज करनी है और लाइनर करना है। तब तक मेरी मम्मी साड़ी लेके आती है, मैं डिसाइड करती हूँ कौन सी साड़ी पहननी है। तब तक मैं अपने होठों को प्लम्पिंग करती हूँ, इसका मतलब प्लम्पिंग लिप फिलर। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बीमारी है या ये कौन सी बला है। ये एक ऐसी जादुई छड़ी है, यानी जादुई लिप ग्लॉस है, जिसको आप होठों पे लगाते ही लिप हल्के से ऐसे पाउट हो जाते हैं, और जिससे लड़कियाँ सुंदर लगती है। तो उनको फिलर कराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जादुई छड़ी तो हमारे हाथ में है। आप देखना चाहते हो तो देखिएगा, अभी मैं लगा रही हूँ। ऐसा लगेगा आपको लगाने के बाद जैसे कि आपके होठों पे मधुमक्खियां बैठ गई हों या चींटियां बैठ गई हों। मतलब ऐसा लगेगा चींटियां काट रही हैं। जैसे अभी मुझे शुरू हो गया है चींटियां काटना, तो इसका मतलब मेरे लिप्स बड़े हो रहे हैं। तो बताओ यार, मेकअप वालों ने भी क्या क्या चीज़ें बनाई है, ओ माई गॉड। बट वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसके बाद हम ये है आईब्रो, इससे हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे। ओके, क्या करेंगे, फिल। बिकॉज ऑफ मैंने लेज़र यूज़ किया था, तो उसको रिकवर कर रही हूँ अभी मैं एक दो दिन के लिए। मे बी शायद कल आईब्रोज करवा लूँगी। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, तो उसके साड़ी के साथ का मेरे पास लाइनर्स हैं। एक्चुअली अभी जस्ट मैं शॉपिंग करके आई थी वहाँ से, कहाँ से, अपना केप टाउन से। तो मैं बहुत सारे लाइनर लाई हूँ, कलरफुल, जिसमें ऑरेंज है, ये है, ये सब लाइनर्स हैं, ये है, ये है। तो मैं ना येलो लाइनर लगाने वाली हूँ, ये रेड भी है, येलो भी लाइनर है मेरे पास, ब्राउन भी है, तो येलो भी है और पिंक भी है। तो मैं कौन सा लगाऊँ, आई थिंक येलो इज़ गुड। तो बस ये दो ऑप्शन है, तो हम वो लगा सकते हैं। एक और येलो है मेरे पास, ये ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, तो मैं अभी लगाऊंगी ये वाला येलो। ये है मैट येलो और ये है वैसे वाला येलो। येलो के भी दो ऑप्शन है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिले, तो मैं सारे ऑप्शन ले आई। ये स्काई ब्लू और ये लाइनर रेड। मुझे बहुत शौक है, एक्चुअली ये शौक मुझे बिग बॉस से आया है। तो गाइस, मैंने अभी देखो ये येलो लाइनर लगाया, तो मुझे लग रहा है कि मेरी आंखें दिख नहीं रही हैं, तो मैं अभी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी पिंक भी है और पर्पल भी है। तो पर्पल नहीं, मैं पिंक लगाने वाली हूँ। तो अभी मैंने चेंज कर दिया, चेंज। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और लगाने वाले हैं। तो गाइज, मेरा मेकअप हो चुका है सिंपल एंड सोबर। बस एक चीज़ की कमी रह गई है, बिंदी की। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेकअप ख़त्म कर चुकी हूँ मैं अपना, और ये मेरा टॉवल अभी तक नहीं निकला। तो मैं मेकअप जब कर लेती हूँ, नॉर्मल थोड़ा बहुत टचअप रहता है, कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, तो वो तब बाद में कर लेती हूँ। गाइस,
फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है और हेयर को मैं ओपन रखने वाली हूँ ऐसे ही, थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बस अभी चेंज करके और साड़ी पहन के आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ इंडियन लुक में, ठीक है? तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले, ब्रेक।